दोस्तों क्या आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ख़ास जानकारी इस वीडियो में इसी को लेकर आज हम आपको देने जा रहे हैं। अक्सर मेल में ये दिक्कत होती है, लेकिन आजकल फीमेल्स में भी इस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि आप प्रॉपर तेल मालिश नहीं कर पाते हैं, साथ ही प्रॉपर हेयर केयर ट्रीटमेंट, नेचुरल शैम्पू कंडीशनर घरेलू उसके आप जब कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपके साथ बाल टूटने की दिक्कतें हो रही हैं, ग्रोथ उनकी नहीं बढ़ पा रही है, बहुत सारी समस्या बालों को लेकर हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको माइक्रो ब्रेकेज के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बालों का बढ़ना अनुवांशिक होता है, यानी कि आपके बाल एक निश्चित लंबाई तक ही बढ़ते हैं और इसके बाद बढ़ना रुक जाते हैं। इसे लेकर अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने भी एक रिसर्च की और इसमें पाया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बालों में माइक्रो ब्रेकेज डैमेज होने लगता है। यह आपके बालों को सिरे से कमज़ोर बनाता है और बाल बीच से टूटने लगते हैं। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आप माइक्रो ब्रेकेज के शिकार हैं या नहीं, तो अपने टूटे हुए बालों को लें और इसे अपने बालों की लंबाई से इसे आप नापें। अगर ये बाल छूटे हैं तो समझ जाएं कि आप माइक्रो ब्रेकेज का शिकार हो चुके हैं। अब इससे आपको बचना कैसे है, इससे बचने के उपाय भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जब बात आती है माइक्रो ब्रेकेज से कैसे बचें, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हार्मोनल टेस्ट ज़रूर कराएं और अपने खाने में न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। न्यूट्रिशन का अगर आप ध्यान देते हैं तो इस तरीके की चीज़ें या फिर इस तरीके की दिक्कतें आपके साथ नहीं होती हैं। साथ ही माइक्रो ब्रेकेज से बचने के लिए बालों को सुलझाते समय बड़े दांत वाली कंघी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, या फिर आप हेयर ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाल कम टूटते हैं, बालों पर जोर कम पड़ता है। साथ ही हीट स्टाइलिंग टूल जैसे स्ट्रेटनर कलर या फिर ब्लू ड्रायर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि ये भी बाल को डैमेज करने में काफ़ी हद तक मददगार होते हैं, क्योंकि ये आपके बालों को कमज़ोर तो बनाते ही हैं, इसके साथ ही इससे माइक्रो ब्रेकेज की समस्या आपके बालों में और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको पहले से ही समस्या है और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर या फिर आप ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको आपके बालों को और ख़राब कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए आपको नियमित रूप से तेल और सीरम बालों पर ज़रूर लगाना चाहिए और अपने बालों को हाइड्रेट आपको रखना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन आपके बालों में होता है तो हेयर फॉल की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, इससे ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है आपके बालों में और जो आपके बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों को आपको हाइड्रेट रखना है। इसके साथ ही नियमित तौर पर आप जब भी कर सकते हैं या फिर आप रेगुलर तौर पर जो सीरम कोई एक ले सकते हैं, अच्छा सा सीरम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ ही बालों के लिए कुछ सप्लीमेंट्स और पोषक तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वैसे तो नेचुरल चीज़ों से आपको इन सभी चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल सोर्स होता है पोषक तत्वों का वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के पार्ट्स के लिए होता है, जिनमें विटामिन ई है। विटामिन ई वैसे तो कैप्सूल भी इसके मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सप्लीमेंट के तौर पर उनको ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल सोर्स अगर आप इसका लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही विटामिन डी आप धूप से भी ले सकते हैं, विटामिन डी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी, आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बी ये बहुत ज़रूरी है आपकी बालों की सेहत के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।